अच्छा जी, महामृत्युंजय जाप क्या है और महामृत्युंजय जाप करने से क्या फायदा पहुंचता है और महामृत्युंजय जाप करने में क्या सावधानियां लोगों को बरतनी चाहिए? जय बाबा वैद्यनाथ, हर हर महादेव। महामृत्युंजय मंत्र जो है वह हमारे धर्म का, सनातन धर्म का सबसे बड़ा और कामयाबी मंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र जो है वह किसी भी असाध्य बीमारी से साधन हो सकता है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कष्ट है और विशेष करके यदि आपका हार्ट की समस्या हो तो महामृत्युंजय उस बीमारी में बहुत काम, महाऔषधि का काम होता है। यदि आप महामृत्युंजय का जाप करते हैं तो महामृत्युंजय के द्वारा आपका शरीर निरोग हो जाएगा। किसी काम में यदि आपको व्यवधान पहुंच रहा है, बार बार अटक रहा है, तो आप अच्छे योग्य पंडितों से महामृत्युंजय का यदि जाप करा लेते हैं तो आपका वह काम निश्चित हो जाएगा। और अब है क्या, मंत्र जाप का कुछ नियम, यदि नियम के साथ जाप नहीं करते हैं तो वह फलदायी नहीं होगा। महामृत्युंजय को लोग जो है ध्वनि यंत्र में बजाना प्रारंभ कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मंत्र, महामंत्र जो होता है उसको ध्वनि यंत्र से बजाने की विधान नहीं है, उसको जपने की विधान है, वो पाठ का नहीं है। तो नियम से यदि जपा जाए, उसमें सावधानी रखी जाए, तो मंत्र 100% काम करता है। और जिस बीमारी के लिए आप संकल्प करके निष्ठा के साथ आप यदि जाप कराते हैं तो आपका विशेष रूप से फलदायी होगा। अब सावधानी क्या है, जिस समय जाप हो शांत जगह होना चाहिए और जापक जो होता है उसको फलाहार एकदम अल्प, इतना आहार करें कि हम आराम से बैठ सकें, हो सके तो दूध पी करके आप रहें। और जाप यदि आप पूरा करते हैं तो आपका निश्चित फल प्राप्त होगा। और तामसिक भोजन कभी, जब जाप का समय रहेगा तामसिक भोजन कदापि न करें। यदि आप तामसिक भोजन करते हैं तो आपका जाप सही फल नहीं प्राप्त कर सकता है, इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। फायदा तो इसमें लाखों हजारों हैं, सिर्फ फायदा जानने से नहीं होता है, उसका नियम करने से महामृत्युंजय का पूर्ण फलदायी होगा।